खबर इंडिया 7 बीजेपी जो जी बीजेपी को हरा सके जब तक है हम हाँ मोदी रहना चाहिए। देखो हमारी पसंद तो भाजपा है बीजेपी है। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के फूलपुर और गोरखपुर उपचुनाव के बाद अब कैराना सीट पर सियासत की गोटियां बिछेंगी। उपचुनाव पर आज हम आपको लेकर चलते हैं इस लोकसभा सीट के व्यापारियों के बीच और जानेंगे कि किसको पसंद करता है कैराना का व्यापारी। कैराना उपचुनाव में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ महागठबंधन, आपकी पसंद कौन? जाहिर सी बात है बीजेपी को होगा जी। क्या हम मोदी को वोट दे रहे हैं, पार्टी किसी को नहीं देते। वैसे अगर देखा जाए भाजपा ने जो काम किए हैं व्यापारियों के लिए, मन तो करता नहीं है कि जी इसे वोट दिया जाए। बीजेपी के साथ है, बीजेपी का साथ हम कभी नहीं छोड़े हैं। आप एक व्यापारी हैं, जीएसटी और नोटबंदी की बात किस तरह से मार्केट में क्या प्रभाव हुआ, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? भाई जीएसटी जो व्यवस्था है, टैक्स व्यवस्था, वो एक ईमानदारी की व्यवस्था है और आने वाले टाइम में इसका लाभ व्यापारी को ही होने वाला है। और जीएसटी का तो खासकर जो ठीक ठाक व्यापारी हैं उनसे पूछ के देखो कि हाँ भाई जीएसटी लगने से क्या उनके हालात हुए हैं, क्या उनको नुकसान हुआ, ये सब, ये तो दूध का दूध पानी का पानी है, सबको पता है। किसी को नुकसान नहीं है, वर्ग वाले गरीब वर्ग कहते हैं जो हुआ सब ठीक हुआ, कोई सी नुकसान नहीं किसी को जीएसटी से, बल्कि हमारे देश की जो आर्थिक जो उन्नति है वो बल्कि आगे बढ़ेगी और हमारे देश को ही उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि जीएसटी से व्यापारियों को ही नुकसान होने वाला है। देखो जीएसटी और नोटबंदी के बाद व्यापार थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, ये तो मानने की बात है, मैं व्यापारी हूँ तो डिस्टर्ब तो हुआ है। व्यापारियों से इससे पहले किडनैपिंग और रंगदारी के मामले हुआ करते थे, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आपको क्या लगता है इस पर आपका क्या नज़रिया है? इस समय तो अपराधी मैं कहूँ ढूंढे से भी नहीं पा रहा है इलाके में भी। योगी जी ने जिस हिसाब से जो कार्य किया है इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम निसंकोच कहीं भी किसी भी समय जा सकते हैं, आ सकते। जो रंगदारी हो रही थी, किडनैपिंग हो रही थी, वो सारी बंद है फिलहाल। भयमुक्त समाज का कल्पना की थी आप लोगों ने, उसमें किस हद तक सुधार हुआ? बहुत ज़्यादा। अब जो है हम रात को अपनी 11 बजे दुकान खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बेफिक्र होकर दुकान बैठ सकते हैं। आज कहीं भी गुंडागर्दी नहीं है, माता बहने रात हो दिनों कैसे घूमते, कोई गुंडा नहीं है, कोई गुंडा वाला छेड़ने वाला नहीं है। बीजेपी सरकार के आने के बाद व्यापार घटा है या बढ़ा है? नहीं, व्यापार तो बढ़ ही रहा, घट कहाँ रहा, महसूस हो रहा कि घट रहा, पर ऐसा नहीं है बढ़ रहा। कोई प्रभाव नहीं पड़ा यार, हमारे हिसाब से प्रभाव कुछ नहीं पड़ा, सही है रहा, सबके लिए अच्छा हो रहा बस। व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है, व्यापार बढ़ा है या घटा है, इसको लेकर आपका? व्यापार तो जी घट ही रहा, बढ़ा तो है ही नहीं, व्यापार तो घट रहा। विकास की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा है व्यापार, तो जो का तू है जी, ना घटा है ना बढ़ा है, लोगों के विचार हैं अलग अलग भाई, जैसा जो सोच रहा कोई। थोड़ा सा टाइट हुआ है क्योंकि ऑनलाइन हुआ है, अभी आने में समय लगता है और नए काम में तो शुरू में एक बार दिक्कत आती है, उसके बाद तो सिर्फ नॉर्मल हो जाता है। व्यापार पहले से तरक्की कर रहा जी, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमें जो है एक सुरक्षा और दे दी जावे तो और तरक्की हो जाएगी। जैसे चेक है, चेक पर कोई क्लेम नहीं है किसी तरीके का भी, मुकदमेबाजी लड़ते फिर हो जाओ तो उसकी तरफ से गवर्नमेंट कोई कदम नहीं उठाती, प्रशासन कोई कदम नहीं उठाता, तो लोग बाग उसका फायदा उठाते हैं, व्यापारी को परेशान करते हैं, चेक दे जाते हैं। और आप बताइए व्यापार के हक में सबसे बेस्ट पार्टी कौन सी है? निसंकोच बीजेपी। बीजेपी बीजेपी है जी। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है। बीजेपी, केवल बीजेपी। मैं पूर्ण रूप से भाजपा को पसंद करता हूँ, लेकिन हमारे जो यहाँ के विधायक और सांसद हैं उन्होंने भाजपा के नरेंद्र मोदी की योजनाओं के अनुरूप कोई भी कार्य नहीं कराया है, जिससे जनता में बेहद रोष है, किसान बेहद ज़्यादा गुस्से में है। उससे मुझे लगता है कि अगर जीत जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है भाजपा बहुत ही नीचे है। हाल ही में उन्नाव और कठुआ जैसी रेप की वारदातें हुई, जिसको लेकर समाज में बीजेपी के प्रति एक गुस्सा देखने को मिला, ऐसे में कैराना लोकसभा उपचुनाव में इसका किस तरह से प्रभाव होगा, इस पर आपका क्या विचार? ये तो भाई जो हम खबरें पढ़ते हैं, जो देखते हैं, समझते हैं, ये सब झूठ है, झूठी बातें लग रही हैं, प्रायोजित है सब कुछ इलेक्शन की वजह से। किसका, किसकी तरफ से प्रायोजित है, कौन? ये सब विपक्षी पार्टियों की प्रायोजित पार्टियां हैं और एक पता लग रहा है ऐसे लोगों को कि भाई गलत है। बिल्कुल 100% नुकसान होगा। किस तरह से नुकसान होगा? किसी बच्ची का, नाबालिग बच्ची का, बच्ची तो बच्ची है चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, इस तरह के रेप हो रहे, ठीक है ना, उसके उसमें जो है ना फिर बीजेपी उसमें अपना योगदान नहीं दे रही, जो कसूरवार हैं, जो बलात्कारी हैं उनको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ठीक है ना, नहीं तो उनको फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए थी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी।
कुछ मुद्दों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो कैराना के व्यापारी वर्ग अधिकतर बीजेपी के पक्ष में है। अब देखना होगा कि गठबंधन कैराना के व्यापारियों को किस तरह अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो पाता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैराना उपचुनाव पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खबर इंडिया।